5 बजे शेड्यूल्ड था लेकिन लगभग 10 मिनट की देरी से शुरू हो रहा है। उसका एक विशेष कारण रहा है कि आज मैं फतेहाबाद और सिरसा जिला, जहां बाढ़ आने के बाद अभी भी उसका एक प्रकोप बचा है, उस नाते से और मुझे आज उसका हवाई सर्वेक्षण के लिए प्रातःकाल जाना था, प्रातःकाल वर्षा के कारण से मैं उस यात्रा पर नहीं निकल सका था। अभी मुझे अवसर मिला तो मैं लगभग 1.25 घंटा उसमें लगा करके और यहाँ पहुँचा हूँ। मैंने देखा है कि घग्गर नदी का ये एरिया जो टोहाना, जाखल, भूना, रतिया, फतेहाबाद, इस एरिया में पानी का प्रकोप फतेहाबाद जिले में है और ऐसे ही सिरसा जिला में भी, सिरसा ब्लॉक के बहुत से गांव, ओटू झील के आसपास का एरिया, उसमें गांव में पानी पहुंचा है। पानी का अभी भी घग्गर में तेज बहाव बना हुआ है, राजस्थान की ओर पानी निकल रहा है लेकिन लगातार पीछे से पानी खेतों में जो था उसको घग्गर में डालते हुए, और अभी इस एरिया में पानी और एक आध दिन लगेगा जब इसमें लेवल इसका कम होगा। बाकी जो हरियाणा के शेष जिले, 12 जिले बाढ़ प्रभावित घोषित हुए थे जिसमें से 10 जिलों का पानी काफी मात्रा में निकल चुका है, जहां पानी अभी निकला नहीं है उसको पंपिंग के द्वारा निकाला जाएगा और वहां के लोगों को राहत दी जाएगी। खेतों को भी जो नुकसान हुआ है उसमें जहां बिजाई दोबारा हो सकेगी किसान भाव द्वारा बिजाई अपनी करेंगे, और जिनमें बिजाई नहीं हो सकेगी उन सबको उनके नुकसान का मुआवजा ये सब दिया जाएगा। हमने जितने भी नुकसान हुए हैं उसकी सबकी भरपाई करना तो कठिन है लेकिन फिर भी मुआवजा घोषित किया है कि जो हमारे बीच में लोग नहीं रहे, बाढ़ के कारण से जिनकी मृत्यु हो गई अथवा जिन परिवारों के लोग घायल हुए, उनके मकान टूटे हैं, मकान में कोई त्रेड़ आई है या पशुओं को नुकसान हुआ है, खेती को नुकसान हुआ है, इस प्रकार के सब लॉस की भरपाई एक प्रकार से जो कंपनसेशन हम आगे इस सप्ताह के अंदर सबको धीरे धीरे एक एक करके देने वाले हैं। तो आज तो मैं इस प्रकरण के बाद जो मुख्य मेरा विषय है जिस पर मैं बात करना चाह रहा हूँ वो भी वैसे तो पानी से जुड़ा है, भले संदर्भ अलग अलग है। एक पानी जो बहुलता लेकर के आया, बाढ़ के कारण से हमारा नुकसान हुआ, और एक पानी जो मूलभूत आवश्यकता हमारी होती है पीने का पानी। पीने के पानी का संकट हम बहुत समय से झेल रहे हैं, जहाँ कहीं बारिश ज़्यादा होती है, पहाड़ होते हैं, वहाँ भी कभी कभी पानी पीने का संकट आ जाता है। जहाँ वर्षा कम होती है, रेगिस्तानी इलाका होता है, वहाँ तो सदैव पीने के पानी का संकट बना ही रहता है। लेकिन हमारे प्रधानमंत्री जी ने जिस प्रकार की सोच रख करके जनता की तकलीफें, खास करके गाँव वासियों की तकलीफें, गरीब लोगों की तकलीफें, महिलाओं की तकलीफें, इन सबको जिस प्रकार से जांचा है, भांपा है, मैं सराहना करता हूं कि एक एक करके स्कीम बनाकर वो चीजों को आगे लेकर के आ रहे हैं। चाहे हमारी माताएं बहनें अपने घरों में चूल्हे जलाती थी, लकड़ी जलाती थी, उपले जलाती थी और धुएं से न केवल अपनी आंखें खराब करती थी बल्कि उनके फेफड़े खराब होते थे, कैंसर का रोग होता था, ऐसी बहुत चीजों को एक प्रकार से तकलीफ सहनी पड़ती थी। उससे निदान यानी जलाने के लिए, उसे राहत दिलाने के लिए प्रधानमंत्री जी ने चूल्हे की बजाय गैस सिलेंडर हर रसोई में पहुंचे ये प्रावधान किया। उस योजना के अंतर्गत आज देश की कोई ऐसी रसोई नहीं है जिसके घर में गैस का सिलेंडर न हो। इसी प्रकार पीने के पानी की समस्या भी घरों में, खास करके महिलाओं को इसका बहुत कष्ट उठाना पड़ता था। बहुत इलाके तो ऐसे हैं कि पीने का मीठा पानी उनको कई कई किलोमीटर दूर से घड़े में भर करके अपने सिर पर ला करके और घर का उपयोग वो किसी ना किसी इस प्रकार से उसका उपयोग करती थी और अपनी आवश्यकता पूर्ति करती थी। यानी पिछले दिनों में एक मुझे अखबार में पढ़ने को मिला कि एक बेटी और उसकी माँ दोनों 10-12 किलोमीटर दूर से रोजाना पानी लेकर के आती थी और पानी की घर की आवश्यकता पूर्ति करने के लिए उनको 2-2, 3-3 चक्कर भी लगाने पड़ते थे, जिसके कारण से उसकी बेटी को अपने स्कूल की पढ़ाई बीच में छोड़नी पड़ी और पढ़ाई छोड़ करके वो लगातार इस आवश्यकताओं में लगी रही। और जब अचानक प्रधानमंत्री जी की ये जो स्कीम है जिसके बारे में आज मैं चर्चा कर रहा हूँ, स्कीम है हर घर नल से जल, तो इस नल से जल देने का जो काम उन्होंने शुरू किया कि हर गांव में यानी पाइप पहुंचना चाहिए, हर घर में नल पहुंचना चाहिए, तो जब उस गांव की